हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग के साथ मैं अपना किचन टूर शेयर कर रही हूँ। और मेरा किचन कोई मॉडलर नहीं है, ओपन किचन है। और इस तरह से मैं इसको सजाई हूँ। बस कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं ही, बस और ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वही है। तो मैं ऐसे रखी हूँ, यहाँ पर बड़े बड़े डब्बे रख दी जिसे कि आसानी से ले सकते हैं। और इसके नीचे ही माइक्रोवेव है, उसके सैंडविच मेकर है। और इसमें मेरा जो केक बनाती हूँ उसका सामान है, बाकी अचार है, मिक्सचर है, और जो होल स्पाइसेस होते हैं वो है। इसमें होल स्पाइसेस है, तो इस तरह से इसमें हो गया। और यहाँ पर माइक्रोवेव है। और इसके नीचे में मेरा ये है, जो किचन के लिए जो छोटे छोटे कपड़े लगते हैं, नैपकिन, वो है। मेरा मिक्सर जार है यहाँ पर। और ये मेरा हैंड बीटर है। यहाँ पर दो ग्लास है जूस वाला, ऑलिव ऑयल, और जितने भी प्रकार के दाल होते हैं वो है। जो मैं यहाँ पर जितना मुझे किचन में खाने बनाने का टाइम लगता है वो रखी हूँ, बाकी मैं एक जो बच जाता है उसको स्टोर करके अपने स्टोर रूम में रख लेती हूँ, छोटा सा स्टोर रूम है उसमें। और यहाँ पर आ गया बर्तन का, जो मुझे डेली लगता है, इस तरह से ऐसा है। मैं एक क्वार्टर में रहती हूँ, गवर्नमेंट क्वार्टर में, तो उसी तरह से मैं ऑर्गेनाइज की हूँ अपने किचन को, क्योंकि हम लोग का ट्रांसफ़र होता रहता है तो ज़्यादा सामान लेना पॉसिबल नहीं होता है। और जो मिलता है जहाँ पर जैसा क्वार्टर उसमें हम लोग रहते हैं। इस तरह से मैं जैसे किचन की जुड़ी कुछ चीज़ें हैं, ये हो गया स्पैचुला, जाल छानने वाला सब। इसके ऊपर ये है, जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो ये बड़े बड़े बाल्टीन, हमारा जो कांच का सामान होता है उसको मैं खुद ही पैक करती हूँ, इसलिए ये रखी हूँ। और अभी भी इसमें मैं सामान रखी हूँ जो मेरा कि जैसे कि ज़्यादा टाइम पर जो बर्तन लगते हैं वो मैं इसमें रख दी हूँ, जिससे कि ये क्लीन रहे और खाली भी दिखे। तो यहाँ पर चाय बनाने की है सामान। इसके ऊपर ये है इस तरह से। फिर यहाँ पर ये ऐसा आ गया, तीन रैक वाली है ये। इसके ऊपर इसमें हम जो मसाला दानी होता है वो है, जिसमें हम ड्राई पाउडर वाला मसाला रखे हैं, इसमें जिसको बोलते हैं गोटा मसाला, वो है खड़ा होल स्पाइसेस, जैसे कि फोरन के लिए जो लगता है वो है। यहाँ पर मैं पानी के हाँ रखी हूँ, पानी पीने वाली पानी, और खाना बनाने के लिए इस तरह से अरेंज करके रखी हूँ। और मैं पानी पीने के लिए प्लास्टिक की बोतल नहीं यूज करती हूँ, ये सॉस की बोतल है। इसको मैं ऐसे डिजाइन बना के रखी हूँ, क्योंकि इसी तरह के बोतल अगर बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। और ये बोतल सब मेरे मम्मी दी हुई है, वही है, मैं खुद नहीं खरीदी हूँ। और ये मैंने बिग बाज़ार से लिया था, ये खुद खरीदी हूँ, बट अच्छा नहीं है उतना। और ये सब मेरा मम्मी का ही दिया हुआ है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कहाँ से ली है नहीं है। और यहाँ पर नमक, सॉस की बोतल जो मुझे लगती रहती है खाना बनाने के टाइम में, वो रखी हूँ। इसी के सामने ये इस तरह से, ये 10-11 रुपये में मिलता है, उसको मैं यहाँ पर लगा लिया हूँ हैंग करने के लिए, जिससे कि हमारे आसानी से मेरा सामान, ये काला काला ही दिख रहा है पता नहीं क्यों, आसानी से मेरा सामान टंगा के हैंग करके रख सके इसलिए। और ये दूध उबालने के लिए रखे हैं, ये भी मम्मी के यहीं से ले आए हैं।
और ये जो है गुलकोंडी में दे दिया है, फालतू का दिया है, रखा हुआ है, फेंक भी नहीं सकती क्योंकि मेरी बेटी बोलती है मैं खेलूंगी और मैं उसको पानी पीने नहीं देती हूँ। वो तो पैसा कमा ही लेता है, बट हमारा पैसा चला जाता है, इस तरह का चीज़ नहीं दे तो अच्छा है। तो यहाँ पर ऐसा था, इस तरह से यही के सामने एक विंडो आ जाएगा, यहाँ से बहुत अच्छा सीन, बाहर का बहुत अच्छा सीन है, जो कि ये तूफान आया था साइक्लोन वाले, उसमें टूट गया है पूरा ये पेड़ पौधा और बाकी बच गए, नहीं तो बहुत सुंदर फ्लावर येलो कलर का रहता था और बहुत सुंदर लगता था। थोड़ा सा दिख रहा है वो फ्लावर, देख सकते हो, हाँ थोड़ी सी दिख रही है, बाकी सब मतलब टूट गया पेड़ पौधा। और इसी के ऊपर मेरा एक एग्जॉस्ट फैन है, तो ये है। और इस तरह से मैं छोटे छोटे कील या इस हैंगिंग का जो होता है वो मुझे मिल जाता है तो लाती हूँ, तो वहाँ पर लगा के हैंग कर लेती हूँ। यहाँ पर आइसक्रीम कटर और एक स्पैचुला रखा है, जिससे कि हम पराठा वराठा बनाते हैं तो इसमें घी वी लगाने के लिए, और सॉस की बोतल जो होती है वो खोलने के लिए, पता नहीं ब्लैक ब्लैक आ रहा है यहाँ, पता नहीं क्यों। यहाँ पर आरो लगी हुई है पानी के लिए, इसके ऊपर मैं एक मनी प्लांट और एक और प्लांट और भीम लिक्विड का बोतल रखा है। और ये जो हाउस है मेरी बेटी खुशी का था, जो कि वो टूट गया था, तो मैंने इस तरह से डेकोरेट कर लिया हूँ। अब थोड़ा अच्छा से दिख रहा है यहाँ से। मैं यहाँ पर आरो है हेवेल्स का, अच्छा ही अच्छा है। और सॉल्ट लेक की पानी, जब मैं जहाँ पर रहती हूँ सॉल्ट लेक में, वहाँ का पानी बहुत ही गंदा है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है आरो लगाना, बट ये है पानी बहुत जल्दी जल्दी इसको सर्विसिंग चाहिए, बाकी आरो अच्छा है। और यहाँ पर मैं एक मनी प्लांट लगा के रखी हूँ और एक और प्लांट का डाल है वो लगा के रखी हूँ। और ये हाउस है खुशी का, मेरी बेटी है खुशी उसका, तो वो टूट गया था तो मैंने ऐसे इसमें रख के साथ डेकोरेट कर ली हूँ। और यहाँ पर एक स्पैचुला रखा है, आइसक्रीम कटर रखा है और सॉस की बोतल जो होती है उसको खोलने के लिए वो रखा है। और यहाँ पर सिंक आ गया, मैंने पहले ही बोला है जो सॉल्ट लेक की पानी बहुत गंदा है, इसकी वजह से पूरा साइड में ये नहीं ठीक होता है। और क्वार्टर में रहते हैं तो उतना अच्छा से अरेंज करके भी नहीं दिया है, ये मेरा टूट गया था, फिर मैंने खुद से इस तरह से अरेंज करके खुद के खर्चा से करवाया है, बाकी ये ऐसे लटका के दे देता है, बहुत मुश्किल होता है, फिर मैंने करवाया है ये। देख क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी खाली है तो पानी गिर जाता है पूरा घर में बर्तन के टाइम में। और एक मैं यहाँ पर गैस वैस पोछा लगाने के लिए रखा है और बर्तन मांजने के लिए इस तरह से स्टैंड लगा के रखा है, जहाँ विम लिक्विड जब बर्तन मांजने के टाइम में लगता है, और ये सिंक कभी जाम हो जाता है इसके लिए, और हैंड वॉश तो रखनी ही चाहिए तो वो रखी हूँ। फिर आ जाते हैं जिसमें मैं बर्तन धो के रखती हूँ, वो टोकरी है एक, जो कि मैं यहाँ पर ऐसे स्टैंड करके लगा लिया हूँ इस तरह से। और ये बर्तन स्टैंड हो गया जो मैं इस तरह से रखी हूँ, जितनी मुझे डेली यूज में लगता है वो ही सब रखी हूँ, और बाकी चीज़ को मैं अलग से कहीं रखी हूँ, जैसे कि मैंने एक पहले बोला था बाल्टीन है उसमें रख दी थी। और यहाँ पर अपना एप्रन रखी हूँ, और ग्लव्स मेरा कोरोना के टाइम में ख़राब हो चुका था तो उसके बाद मैं लाई नहीं हूँ, मिला नहीं था इसलिए, नहीं तो मेरे किचन में ग्लव्स भी रहता है। और ये एक स्टैंड हुआ बर्तन स्टैंड, इस तरह से मैं छोटे छोटे कील लगा के इसमें हैंग कर दिया हूँ। ज़्यादा कुछ सामान नहीं है बट जितना है सो मेरे लिए इनफ ही है।
और क्योंकि ट्रांसफर की वजह से ज़्यादा सामान नहीं रख सकते, ये मोमोज स्टैंड बड़ा वाला प्रेशर कुकर सब जब लोग आते हैं जुड़ते हैं तो इसमें खाना बनता है। अब मैं नीचे के साइड दिखाती हूँ, ये मेरा एक प्याज कटर है और वो कोकोनट ऑयल का डब्बा मैं सूखने के लिए दिया हूँ, कुछ तामझाम करूँगी मैं। ये मैं जब से कोरोना शुरू हुआ है तो डस्टबिन नहीं रखती हूँ, ऐसे प्लास्टिक ही रखती हूँ, जो प्लास्टिक मिल जाता है उसमें मैं इकट्ठा करके फिर जब आता है गार्बेज वाले अंकल तो दे देती हूँ। यहाँ पर एक टूल रखी हूँ क्योंकि इस पे चढ़ के मुझे कुछ उतारना रहता है तो उतार लेती हूँ। फिर इस तरह से मैं कि मैंने पहले ही बोला है जो मेरा मॉडलर किचन नहीं ओपन किचन है, तो इस तरह से मैं रखी हूँ यहाँ पर सिलेंडर, वहाँ पर इस तरह से फोकस नहीं कर रहा। यहाँ पर मेरा गैस सिलेंडर है, चावल का और आटा का है और आलू स्टैंड है, इस तरह से एक यहाँ पर है। और यहाँ पर मैंने पूरा चौक लगाया है लक्ष्मण रेखा वाली, क्योंकि चींटी सब आते रहते हैं, गर्मी का सीजन आ गया है तो चींटी आता है, तो इससे नहीं आता इसलिए लगा के रखी हूँ। तो इस तरह से है। फिर यहाँ पर गैस स्टोव है। तो यही था किचन टूर वीडियो। और यहाँ पर मैं माइक्रोवेव का जो ग्लव्स होता है निकालने के लिए तो वो हैंग करके रखी हूँ, और उसी के नीचे मैं एक ये रखी हूँ जो छोटे मोटे चीज होते हैं वो भी इसमें रख लेती हूँ। इसमें जितने सामान है मेरी जरूरत के सामान ही है, ज्यादा हाई फाई नहीं है। और मैं ये जो डब्बे मैं ज़्यादा खरीदती नहीं हूँ, जो मेरे घर में कुछ डब्बे वाला सामान आता है जैसे कि हॉर्लिक्स वगैरह आता है, सिर्फ ये इस टाइप का डब्बा, वो भी मैं यहाँ पर आई हूँ तो खरीदी हूँ, क्योंकि हम लोग का ट्रांसफ़र होता है तो वो मुझे फेंकना पड़ता है, बहुत बढ़ जाता है इस सब को लेके, इसलिए मैं उसको खाली कर देती हूँ, तो इसलिए मैं खरीदती नहीं हूँ क्योंकि बार बार फेंकना ठीक नहीं रहता है। इसलिए वहाँ पर मैं कड़ी पत्ता स्टोर करके रखी हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मैं मधु आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए आसानी से। थैंक्स फॉर वॉच।